हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। चलो तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, OMDM पे क्लास को खत्म किया था, यानी कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन पे क्लास को खत्म किया था। ठीक है, चलो तो उसके बाद अपना अगला टॉपिक क्या था, HBO था। HBO को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलो हेडिंग लगाते हैं और जो भी बातें आपको बताई जा रही है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके लास्ट क्लास और आज की क्लास है ना, यानी शनिवार की क्लास और आज की जो क्लास अभी अपन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्कीन पॉइंट मतलब पूरे आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, या आप ऐसा बोल लो कि आगे आने वाले जितने आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर ये क्लियर है लास्ट क्लास और आज की क्लास तो आगे की सारी क्लासेस आपको आई थिंक सो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ HBO। ठीक है, क्या लगाओगे बेटा, HBO। ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब ये रिएक्शन में होता क्या है, क्या क्या इसकी खास बातें हैं, ये अपन मैकेनिज्म डिफाइन करने के बाद इसको हम समझेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जो रिएक्शन है बेटा है ना, इसमें अपन क्या लेके चलते हैं, एक अल्कीन लेकर के चलते हैं। ठीक है, और रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ योर BH3 इन TFF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है, BH3 विद TFF, और दूसरा होता है बेटा आपका क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, ये दो चीज आपको दिख रही होंगी। अब ये जो देखो, ये जो दो बातें है ना, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखो नाम में ही दो चीजें, हाइड्रोबोरेशन और फिर ऑक्सीडेशन, यानी दो स्टेप रिएक्शन होगा। इसका मतलब पहले बार में आपने क्या करना, हाइड्रोबोरेट करना है किसको, अल्कीन को, और दूसरी बार आपको जो आपका क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा, उसको आपको ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीकृत करना है। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ ये ध्यान दो कि ये वाला जो पार्ट है बेटा, इससे हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, हाइड्रोबोरीकरण। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये क्या होता है आपका, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कौन से रूल फॉलो होने हैं, कौन सा एडिशन होना है, सिन होना है, एंटी होना है, और उसके बाद आपका मार्कोनिकोफ का नियम लगना है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगना है, सारी बातें अपन मैकेनिज्म के बाद अपन 2 सेकंड में समझ सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये बात इतना नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनना है बेटा, ये भी लिख लो, लिख लो इस बात को, यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट बनना है लिख लो, यहाँ पर जो बनना है बेटा वो क्या बनना है आपका, अल्कोहल बनना है। और ये जो अल्कोहल बनता है बेटा, ये ध्यान रखना, फ्रॉम दो बातें यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, फ्रॉम ये बनता है बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, किससे बनता है बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, पहली बात का ध्यान रखना, इसे भी अपन मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ताकि अपने को लंबे समय तक याद रहे और हमको पता चले कि हुआ क्या था। ठीक है, चलो तो ये होता है बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से बना हुआ अल्कोहल। और दूसरी चीज बेटा क्या यहाँ पर लिखूंगा मैं, ये होता है बेटा सिन एडिशन का केस होता है। कैसा केस होता है बेटा, सिन एडिशन का। अब आपको इसे पता है, ठीक है, अगर पता है थोड़ा कमेंट में लिखे कि सिन एडिशन हो रहा है, इसका क्या मतलब है, कौन से प्रोसेस से रिएक्शन आगे बढ़ रहा होगा, तो आंसर शुड बी इसका सिन एडिशन देखी जगह पर होती है, जहां पर भी रिएक्शन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से आगे बढ़ता है, यानी चक्रीय संक्रमण अवस्था से द्रव्य विक्रिया होती है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये रिएक्शन क्या हो रहा होगा बेटा, वाया वाया साइक्लिक TS, किससे हो रहा है बेटा, ये आपका वाया साइक्लिक TS है ना, चक्रीय संक्रमण अवस्था से ये जा रहा होगा। ठीक है, चलो अच्छा, इस पर आदमी इतनी बातें हुई है, एक काम और करते हैं, इसको मैं डिफाइन करूं, जिसका मैं प्रोडक्ट बोलूं, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है मैं लिखा प्रोडक्ट को। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखना, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, मतलब कि बेटा आपका जो नेगेटिव पार्ट होता है किसका, क्योंकि एक्चुअल में तो वाटर का एडिशन है, पानी का ही एडिशन है, तो उसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा, OH माइनस होगा, वो कहां पर जुड़ता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल मतलब जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, मतलब इसी साइड पे जुड़ना, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा RCH, यहां H, ठीक है, और क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रखना यहां पर कि ये वाला जो H है ये कहां से आया है और ये OH कहां से आता है। ठीक है, जैसे याद करो आपने लास्ट क्लास में बेटा OMDM पढ़ा था, तो OMDM में याद करो कि H कहां से आता था, OH कहां से आता था, याद आ रही है बातें, NaBH4 वाला पार्ट वहां से आपका H आया करता था, और जो आपका मर्क्यूरिक एसिटेट विद वाटर जो था वहां से आपका OH- आया करता था। यहां पर ये पार्ट कहां से आएगा और यहां से ये वाला पार्ट कहां से आएगा, तो ध्यान रखना बेटा ये जो H वाला पार्ट है ये आता है, लिख लो, फ्रॉम फ्रॉम
BH3 कहां से आता है बेटा? BH3 से आता है, मतलब ये क्या सप्लाई करता है बेटा? H पार्ट को सप्लाई करता है। एकदम कान खोल के ध्यान से सुन लो इस बात को, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये कहां से आता है बेटा? H2O2 में OH माइनस से आता है, यानी ये क्या सप्लाई करता है बेटा? OH पार्ट को सप्लाई करता है। Is that clear? तो अब देखो एग्जाम में बनाने लायक बातें आपने अभी जस्ट सीख रखा, बिना मैकेनिज्म के आप सॉल्व कर लो। मैकेनिज्म एक पार्ट एंड पार्सल है, जिससे क्या होता है चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है? अपन उसको भी कर लेंगे, पर आई थिंक कि अब इतना देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई कि मैकेनिज्म क्या चलने वाला है, किससे रिएक्शन आगे बढ़ने वाला है, कौन सा रूल से एडिशन होना है, H पार्ट कहां से आता है, OH पार्ट कहां से आता है, इज इट क्लियर? ठीक है, फटाफट चेक करो एक बार। तो अगर मैं आपसे अपना क्वेश्चन दूं बेटा, ध्यान से देखना इधर, अगर मैं आपसे और एग्जांपल डिस्कस करूं, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक्चुअली यहां पे मैं डिफाइन कर लेता हूं बेटा CH3, ठीक है। अब कोई अगर बच्चा सोच रहा है सर यहां पे कार्बोकैटायन का रिएलिमेंट वगैरह वगैरह, अरे वो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन में कभी कार्बोकैटायन बनने का मौका ही नहीं मिला, ये किससे आगे बढ़ रहा है? साइक्लिक TS से। तो वो सब झोल झाल चक्कर में मत पड़ना, सीधा आप बंद करके एंटी मार्कोनिक ऑफ और सिन एडिशन लगा देना, ठीक है? आओ कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, फटाफट देखना, ठीक है? ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, बताना जल्दी से, ये आपका पहला, ठीक है, मैकेनिज्म इसके बाद कर लेंगे, ठीक है? यहां पर मैंने लिखा बेटा, क्या लिखा? BH3 with EHF और दूसरा लिखा H2O2 with OH minus, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? The same thing, CH3 CH double bond CH2 और यहां पर लिखा बेटा BD3 EHF और साथ में लिखा बेटा H2O2 with OH minus, ठीक है? फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? और ये दो क्वेश्चंस बनाओ, मैं ऊपर और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि OH का सप्लाई कौन करता है, OH का सप्लाई कौन करता है, कहानी खत्म है ना, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, मैं दो क्वेश्चन और देता हूं आपको, ठीक है? दो क्वेश्चन और क्या सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपना बनाते रहो, कमेंट में लिखते रहो डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? और चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, यहां पर है BD3 EHF और ये है बेटा क्या दूं यहाँ पर D2O2 with OD-, ठीक है? HH हो गया, BA हो गया, हाँ एक और बचा है, चलो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखेंगे BH3 with DHF और ये है बेटा हमारा H2O2 नहीं D2O2 इसके बाद आपको सिन बात याद रखनी है, एक ही तरफ से एडिशन करना है, ठीक है? चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा ध्यान देना, ये क्या देगा बेटा आपको H देगा और ये क्या देगा बेटा OH, एंटी मार्कोनिक ऑफ लगाना है, मतलब ये वाले पार्ट में ये जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH2 OH और यहां पर H जोड़ लेना, ये बेटा BD3 हो गया, तो ये D दे देगा और ये पार्ट क्या दे देगा आपका OH दे देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम लगाना है, यहां पर बेटा OH जोड़ देना CH3 CHD और ये हो जाएगा बेटा CH2OH, है ना? बड़ा सिंपल, ठीक है? चेक कर लेना, मिला लो, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो रोक करके पूछ लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आना बेटा, इस क्वेश्चन में ये क्या देगा बेटा आपको D देगा और ये अब क्या देगा बेटा आपको OD देगा, तो बस बड़ा सिंपल, एंटी मार्कोनिक ऑफ लगाए और आंसर प्राप्त करें, ठीक है? OD हो जाएगा, यहां से आ जाओ, ये क्या देगा बेटा आपको H देगा और ये क्या देगा आपको OD देगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ लगाना है CH3 CH H संभावना होती है, ठीक है? चलो सिंपली आपको दो तीन बेसिक बातें ध्यान रखनी, ठीक है? ना आगे चलते हैं, ओके कंप्लीट है? अब जिनको मैकेनिज्म करना है, ठीक है, मैं मैकेनिज्म का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो होता क्या है बेटा, दो स्टेप रिएक्शन है, तो पहले तो अपन हाइड्रोबोरेशन करेंगे फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, चलो हाइड्रोबोरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया बेटा, पर अगर कभी कभी बैलेंसिंग ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि भाई कितना मोल अल्कोहल हमको मिलना है इस रिएक्शन में, HBO रिएक्शन में कितना मोल अपन एल्कीन लेके चलेंगे, कितना मोल अपन यहाँ पर परऑक्साइड का लेके चलेंगे, कितना मोल हम यहाँ पर
अल्कोहल का प्राप्त करेंगे एज ए प्रोडक्ट, ये सारी बातें सीखते हैं, मैकेनिज्म सी सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, एक अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या है बेटा, आपके पास क्या है BH3 लेके चला है। ये पहला स्टेप है बेटा, हाइड्रोबोरेशन स्टेप है, हाइड्रोबोरीकरण स्टेप है। तो होता ये है, मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूं बेटा, कि आप सबने पढ़ा है बेटा, तीन लॉग आपने खत्म कर रखा है, आपको पता है कि ग्रुप 13 से बिलोंग करता है बेटा बोरॉन, जिसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, सिक्सथ स्टेट में है, इसका पी ऑर्बिटल क्या रहता है बेटा, वैकेंट रहता है। तो ये कैसा काम करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन हस्ती की तरह। एक बस हो गई रिएक्शन की शुरुआत, जो थोड़े समझदार हैं उनकी आंखें चमकने लगी होंगी और वो समझ गए होंगे कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगा। आओ तो इसको मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बेटा, क्या हो जाएगा, तो जो आपका BH3 था, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, BH3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं यस। तो अब क्या होगा बेटा, ये रहा आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन की है कमी, और ये है बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन है अधिक मात्रा में, ठीक है, इन एक्सेस, ठीक है। तो होगा ये आएगा बेटा इसकी तरफ, और ये हाइड्रोजन चले जाएगा बेटा कहां पे, जहां पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी। तो इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप और सीखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेट का, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का हो जाएगा फॉर्मेशन, जो कि देखो कैसा होगा, ये CH3 तो ऐसे रहेगा, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन के बीच क्या होगा बेटा, एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन और ये बोरॉन के बीच बेटा बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको आप BH2 ऐसे रहने दो, ठीक है, BH2। और ध्यान देना बेटा, ये वाला पार्ट जो आपने ये वाला शो किया है, इसके थ्रू क्या होगा बेटा, कार्बन और बोरॉन का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक बॉन्ड यहां से बनेगा बेटा, होगा नहीं होगा, ठीक है, बस इसी को हम, अच्छा ये वाला बॉन्ड टूट रहा आपका, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं बेटा, कौन है यहाँ पर BB और कौन है BF, तो ये है BB बॉन्ड ब्रेक, ये है बॉन्ड ब्रेक, ये है बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध का निर्माण हो रहा है, और ये भी क्या बेटा आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो आप चेक करो बेटा, ये आपका TS बना के लिए बना, और कैसा TS है बेटा, दिस इज ओनली योर साइक्लिक TS। और आपको पता, जब भी कभी भी बेटा साइक्लिक TS होता है, चक्रीय संकरण अवस्था से अभिक्रिया आगे बढ़ती है, तो आपको पता है बेटा कौन सा एडिशन होता है, एक ही तरफ से एडिशन हो रहा है, चेक करो ना, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, तो क्या हो रहा है बेटा, कौन सा एडिशन देगा, ये सिर्फ एडिशन देगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो आपको क्लियर हो गई, डाउट जो होगा किसी ने एडिशन ही क्यों दिख गया। अच्छा दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मैंने बोला था कि यहाँ पर बेटा जो H आता है वो कहाँ से आता है, BH3 से आता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, ये वाला H जो है बेटा वो BH3 का पार्ट था, और वही H जो है बेटा किसमें जुड़ा है, इस वाले कार्बन में। बात समझ में आती है, नहीं आती है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, CH3CHH, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, CH2BH2। चेक करो यही बनेगा, नहीं बनेगा, दिख रहा है ना सबको, चमक रहा है, नहीं दिख रहा है, इतना दिख जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल बोरेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल बोरेन बोलते हैं, बन करके तैयार है बेटा। तो आप ये चेक करो, क्या ये बात साबित हुई कि नहीं हुई, ये हाइड्रोजन कहां से आया, ये हाइड्रोजन बेटा उसी BH3 का तो था, बात क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट होगा, जब तक कि बेटा इस बोरॉन के सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब कितनी बार और प्रोसेस लगेगा बेटा, दो बार, मतलब हाइड्रोबोरेशन कितनी बार और लगेगा, दो बार। तो कुल कितनी बार हुआ, तो एक बार हुआ, और दो बार और होना है, तो तीन बार हाइड्रोबोरेट हो रहा है। मतलब कि सल्कीन के कितने मोल लगेंगे बेटा, 3 मोल लगेंगे, कैसे, आओ एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो अपने हाथ में आ गया बेटा, अब अगली बार क्या होगा, हमने फिर से अल्कीन लिया, यही सेम अल्कीन को फिर से एक बार रिपीट मारा, ठीक है, और हमारे हाथ में क्या है, ये वाला पूरा पार्ट है बेटा अल्काइल बोरेन है, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक बार क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, बी, चलो अलग पेन से लिख देता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, क्लिक करने के बाद ध्यान से, बी एच, और ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, CH2CH2CH3, और इधर एक एच। देखो ये वाले पार्ट को बेटा मैंने पूरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया, चेक करो एक बार, अब क्या होगा बेटा, द सेम थिंग विल अकर, इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल ये इधर बेटा फिर से एक साइक्लिक TS आएगा, और क्या हो जाएगा, CH3CH CH2, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बनना शुरू हुआ, बात समझ में आ रही है, CH2CH2CH3, ठीक है, ये फिर से साइक्लिक TS बन गया बेटा, ये क्या बन गया बेटा आपका, साइक्लिक TS बन गया, ठीक है, यानी फिर से कौन सा एडिशन हो गया,
सिन एडिशन मात्र नाती है। ये हाइड्रोजन कहां से आया बेटा? बोरोन वाला ही हाइड्रोजन तो है, मात्र नाती है। इस बार क्या हो जाएगा चेक करो, इसके बाद अगला पार्ट हो जाएगा बेटा, है ना, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2। देखो एक बात समझना, जो बेटा ये वाला पार्ट है वही वाला पार्ट तो बेटा चेक करो तो ये वाला है कि नहीं, मतलब मैं होल ट्वाइस लिख सकता हूँ क्या? चेक करो तो मैंने इसको लिखा होल ट्वाइस BH, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डाई अल्काइल बोरेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डाई अल्काइल बोरेन बोलेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब तक आपने कितने अल्केन यूज कर लिए? दो मोल अल्केन यूज कर लिया, एक मोल दो मोल। क्या अभी और अल्कीन आपका अल्केन बोल दिया, सॉरी माफ करना अल्कीन, ठीक है, क्या आप और अल्कीन लगा सकते हो? बिल्कुल एक मोल लगेगा, क्योंकि बेटा अभी भी क्या है, बोरोन का एक हाइड्रोजन अभी भी गायब करना है, तो तीसरा मोल भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, चेक करना। मैं फिर से क्या करूंगा बेटा, एक मोल अल्कीन लूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा CH2, ठीक है, इधर क्या बचा बेटा BH, और इधर क्या हो जाएगा बेटा CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 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 CH3
ये इधर साइक्लिक टीएस बनेगा और चलो बना ही देता हूं इतना लिखा हूं सी एच एच चेक करो सी एच टू बी सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री होल टू होगा नहीं होगा और अगले स्टेज में क्या हो जाएगा बेटा आपका है ना ये साइक्लिक टीएस से आगे बढ़ करके क्या बन जाएगा देखो तो ये वही पार्ट है बेटा ये वाला पार्ट है कि नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा CH3 CH2 CH2 होल थाइस हो जाएगा बी इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं इज दैट क्लियर ये आपका पहला भाग खत्म होता है हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरीकरण प्रक्रिया ठीक है लो चेक करो दिस नोट करो फटाफट ठीक है चेक करो एक बार स्क्रीनशॉट लो किसी स्टेप में दिक्कत है यहां से आपने क्या क्या बातें सीखी बेटा तीन बातें आपको यहां से मैं सिखा रहा हूं फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कौन कौन सी बातें ध्यान देना पहली बात कि बेटा अल्कीन के कितने मोल लगे एक मोल दो मोल तीन मोल तो अल्कीन के कितने मोल लगे बेटा तीन मोल लगे इस रिएक्शन में यानी कंप्लीट अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑपरेशन करना है तो तीन मोल अल्कीन लेना पड़ेगा रिएक्टेंट का तीन मोल लेके चलना पड़ेगा दूसरी बात क्या सीखे बेटा दूसरी बात सीखे कि साइक्लिक टीएस से रिएक्शन आगे बढ़ता है मतलब सिन एडिशन होता है मतलब डबल बॉन्ड के एक ही तरफ से क्या होता है बेटा एडिशन होता है तीसरी बात क्या सीखा बेटा ये जो हाइड्रोजन आता है ये आपका BH3 का पार्ट होता है BD3 है तो D आता बात समझना ठीक है आगे चलते हैं अब हम अगले पार्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये सीखेंगे कि इसमें एंटी मार्कोनी का फोल्ड लग गया ठीक है नोट करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया आपका किसी को डाउट है नो डाउट चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है कंप्लीटेड चलो तो ये वाला पार्ट को आगे बढ़ाएंगे बेटा ट्रायल कैल बोरेन बन चुका है हमारे पास ठीक है अब देखो आगे कहानी सुनो आगे क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं ठीक है तो ट्राइअल्काइल बोरेन बनने के बाद बेटा अब अपन यूज करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 OH- बेसिक मीडियम में H2O2 का यूज करना सीख रहे हैं ठीक है तो क्या होता है हमारे पास क्या बन चुका है बेटा ट्राइअल्काइल बोरेन बना हुआ है CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और ये क्या है बेटा CH2 CH2 CH3 ये आपका ट्राइअल्काइल बोरेन ठीक है आपके पास हाथ में क्या है बेटा आपके पास हाथ में है क्या तो H2O2 हालांकि ये क्या होता है बेटा आपका ओपन ब्यूटाइल स्ट्रक्चर होता है खुली हुई किताब की जैसे संरचना होती है पर चलो जगह नहीं है तो मैं स्ट्रेट बना के दिखाती हूं है ना इसको अदरवाइज मत लेना और साथ में क्या होता है बेटा OH- होता है तो यहां से होगा क्या बेटा इससे पहले कि रिएक्शन आगे बढ़े यहां से होता ये है कि OH- जो बेटा ये यहां से प्रोटॉन खींच लेगा और ये लेजेंड ग्रुप बन करके बाहर मतलब यहां पर H2O हो गया अलग और आपके पास बेटा एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन बच गया बता सकते हो यस एज ए न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन बचा रह गया बेटा HOO- चेक करो एक बार ये OH- को पानी सॉरी H+ को लेके निकल गया पानी बना बाहर और तो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये बच गया अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा नाभिकस नहीं क्या करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो अटैक कहां करेगा बेटा याद करो अभी भी आपके पास बोरॉन ही है बस बोरॉन के पास क्या होता है ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ये स्टेट में है तो ये फटाफट क्या करेगा बेटा आप देख लेना था और ये क्या कर देगा बेटा फटाफट कर देगा यहां पे अटैक इस पे बोरॉन के जो आपके p ऑर्बिटल खाली थे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां पे अटैक करते ही क्या हो जाएगा बेटा ध्यान देना है ना मैं एक काम करता हूं बेटा
है ना, क्योंकि ये काफी लेंथी बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या मैं काम करूं, है ना, आप ध्यान देना, इसको ना अपन आर मान लेते हैं बेटा, अल्काइल ग्रुप मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो क्या है जगह कम लगेगा, तो मैंने इसको आर लगा दिया, इसको आर बोल दिया, इसको आर बोलते हैं, क्या दिक्कत है, जो आपका ये प्रोफाइल ग्रुप था इसको हमने अल्काइल बोल दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये जो टैग क्या बेटा, तो ये क्या बना लिया बेटा, ओ ओ एच, चेक करो होगा नहीं होगा, ठीक है, और इसी बीच बोरॉन को गया ऑक्टेट कंप्लीट अस्टक पूरा, तो बोरॉन पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसने लोन पेयर लिया है, बोलने से ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, अरे क्यों आएगा, ये एक्स्ट्रा लोन पेयर था ना, उसको अटैक मारा है ना, ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर बेटा अपना लोन पेयर उसी के पास है, एक्स्ट्रा लोन पेयर था उससे अटैक हुआ है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, फटाफट देख लो एक बार, ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, यहां से क्या होगा बेटा, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला OH ग्रुप जो है, ठीक है, ये एज लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, ये जाएगा बाहर, बात समझ आ रही है, ये जाएगा बाहर, तो यहां से OH माइनस क्या हुआ बेटा, बाहर, और इसी बीच क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा है बेटा, प्लस चार्ज आ रहा है, भाई साहब ये ऑक्सीजन क्या किया, इस ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन को लेके गायब, तो इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो ये चीज बोरॉन से अब देखा नहीं जा रहा है, तो क्या कर रहा है यहां से, ध्यान देना, यहां से मैं क्या मार्क करने जा रहा हूं, होगा ये यहां का जो अल्काइल ग्रुप है बेटा, ये यहां पे मूव कर जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, बात समझ में आ रही है, ये वाला अल्काइल ग्रुप यहां से क्लीव करके इस ऑक्सीजन को सपोर्ट देने आ जाएगा पीछे से, तो ये OH तो हो गया बेटा बाहर, बच क्या गया आपके पास, R B, यहां हो जाएगा बेटा O R, और यहां हो जाएगा बेटा R, बात समझ में आ रही है, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखो बोरॉन पे फिर से चार हाथ से, फिर से कितने, तीन हाथ, बोरॉन वापस से सिक्स स्टेट में आ गया, छह इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया, बात समझ में आ रही है, अब यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, तो अब आप चेक करो, अभी आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड का कितना मोल यूज किया बेटा, तो एक मोल यहां पर लगाया, मैंने क्या बोला, फिर से यूज करो बेटा, क्या यूज करो, H2O2 with OH minus, मतलब इसका कौन सा मोल यूज करने जा रहे हो बेटा, सेकंड मोल, दूसरा मोल लगाया, फिर से वही सारी कहानी, वही रिपीटिशन होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसके बाद, क्या लिखूंगा बेटा, अब थोड़ी देर में ऐसा और ऐसा, ठीक है, अभी बात खत्म हुई का नहीं, अभी अपन फिर से रिएक्शन चलेगा बेटा, और एक मोल और परऑक्साइड लगेगा H2O2 with OH minus, ठीक है, अब फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका थर्ड मोल है, क्या बेटा, ये तीसरा मोल है, अब क्या बन जाएगा, BOR, BOR, और ये हो जाएगा OR, ठीक है, कंप्लीटेड यहां तक। अब चुकी देखो यहां पर आपका तीन मोल अल्किल लगा था, तीन मोल यहाँ पर क्या लग रहा है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड ही लग रहा है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इतने मोल लगेंगे, ठीक है, पर कहां से आए, कैसे आए, ये बात अपन ने समझ ली, ठीक है ना। अब अगले पार्ट में क्या होगा बेटा, इसका करते हो हाइड्रोलिसिस, क्या करते हो बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो अब देखो इसके आगे भी मैकेनिज्म प्रोसेस है, पर वो अब उतना मैं नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई अब उतना करोगे बोर्ड की जगह भी नहीं है, दूसरा उतना से आपको एग्जाम में काम भी नहीं आएगा, इतना तक यूजफुल था मैंने आपको बता दिया। अब सिंपली क्या करना बेटा, यहां से क्या करना, इसको तोड़ना, इधर H लिखना, इधर क्या लिखना बेटा, OH लिखना, फिर क्या करना बेटा, इसको इधर से तोड़ना, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इधर से तोड़ना, इधर H लिखना, इधर OH लिखना, फिर आपने क्या करना है, इसको इधर से तोड़ना, इधर H लिखना, इधर क्या करना, OH लिखना, बात समझ में आ रही है। तो आपको यहां से कितना मोल अल्कोहल मिलता हुआ दिख रहा है बेटा, तीन मोल अल्कोहल, चेक करो तीन मोल अल्कोहल मिला कि नहीं मिला, चेक करो देखो तीन मोल अल्कोहल, और साथ में क्या मिला, बी तो रहा ही रहा, उसमें आपने कितना OH लगाया बेटा, एक OH, दो OH और तीन OH, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोरिक एसिड BOH होल 3, तो ये आपका हो गया बेटा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, नोट करेंगे, ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो गया, बी फास्ट नोट करेंगे, फिर मैं इसका डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा, जो जो चीजें हुई है बीच रास्ते में उसको बातें करते हैं शॉर्टकट में, शॉर्टकट में क्वेश्चन आना सिखाई